एहसान है अल्लाह ताला दे बारे अच्छा गुमान करना। अल्लाह ताला दी जात तो वरा वरा है। खालके कायनात ने इरशाद फरमाया इंसान दे बारे भी बुरा गुमान नहीं करना, अपने भाई मुसलमान दे बारे भी बुरा गुमान नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़न इन्ना बादा ज़न इस्मुन। फरमाया ऐ ईमान वाले और कसरत दे नाल जिहड़े गुमान ने उन्हां तों बचिया करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। सिर्फ इंसान सोचता है और उस सोच के नाल ही इंसान गुनाहगार हो जाता है। हालांकि साढ़े वास्ते खसूसी रियायत है, हल्के का नाम इरशाद फरमाया है कि जब तक तू सोचता रहे तू करे ना तो मैं तेरा गुनाह शुमार नहीं करांगा। लेकिन जो गुमान है, जो सुए जन है, बदगुमानी है, मायूसी है, खालके कायनात ने फरमाया जो इंसान बदगुमान होता है तो बाद ऐसे गुमान होते हैं जो इंसान को गुनाह का मुंह तक पकड़ देते हैं। तो ये तो अहले ईमान के बारे है जिसका अल्लाह ताला की जात के मुतलक ही गुमान खराब हो जाए। मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, बीमारी आई, तो फिर अपनिया नेकियां याद कीतियां, अपने आमाल भी याद किया और फिर आख्या कि पता नहीं अल्लाह ताला मेनु क्यों इस आजमायत विच पा दिता है, या मेरे नाल ही एवं क्यों होता है, लोगों के कोल इतना कुछ है तो मेरे को ही क्यों इस चीज़ की कमी है। तो खालिक कायनात ने फरमाया हमेशा अपने मालिक और अपने खालिक और अपने राज़िक के बारे अच्छा ही गुमान करना है, और अगर अच्छा गुमान करेगा तो कामयाब होगा, अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन रखेगा तो कामयाब होगा। जो ही मायूसी आई, बदगुमानी आई और अल्लाह ताला की जात के मुतलक तेरा ईमान, तेरा एतकाद, तेरा गुमान, तेरा अकीदा खराब होया तो तेरा ईमान जाया होगा।